फ्रेंड्स आज मैं आपको शर्ट बनाना बता रही हूँ डिजाइन वाला। तो ये शर्ट मैं बनाऊंगी स्टैंड पट्टी कलर का। तो ये शर्ट की मैंने कटिंग कर ली और यहाँ पर मैंने मार्जिन थोड़ा सा ही दिया आधा आधा इंच का आगे के भाग में, ये देखें। और ये शर्ट बनाने में आपके जितने शोल्डर हैं उतने ही लेने चाहिए। तो ये जब डबल कपड़ा करके काटते हैं तो शोल्डर का जो आधा हिस्सा होता है, जैसे मेरे यहाँ से यहाँ तक 6.5 आ रहा है, तो मैंने शोल्डर 6.5 लिए हैं और आर्म होल में प्लस आधा इंच कर दिया, तो मेरा आर्म होल 7.5 इंच है, सॉरी, है ना। अब ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसको मैंने बढ़ता काटा है, थोड़ा लूज काटा है। तो ये देख लीजिए, मैंने पीछे का भाग काटा है और ये आगे का। और अब मैं स्टैंड पट्टी कॉलर बनाऊंगी, तो गला में पीछे का गला तो लूंगी सिर्फ 1 इंच पे गोलाई दूंगी और आगे की गले की मैं सिर्फ 1.5 इंच पे गोलाई दूंगी। ये देखो, ये मैंने बटन पट्टी और कांच पट्टी बना दी है। अब ये गला है, तो इस गले को अपन ऐसा नाप लेंगे कि अपना गला कितना बैठा है। ये देखिए, ये ऐसे करके पूरे गले को नाप लेना है। ये मेरा गला आ रहा है 19 इंच। तो 19 इंच का अपन है ना आधा इंच ज़्यादा बढ़ते हुए ये बुकरम काटेंगे। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी, ये देखिए, ये 2 इंच चौड़ी और 19.5 इंच ये बुकरम काट ली है। और इसको है ना डबल कपड़े पे रखी, ये सीधा कपड़ा अंदर फोल्ड कर दिया है, ये देखिए, और इस कपड़े को इसके ऊपर रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है एक नीचे का रहने देंगे और ये ऊपर वाला इसके ऊपर ऐसी सिलाई लगा देंगे अलग से, और फिर एक सिलाई यहाँ से लेके इतने में पूरे में लगा देंगे और यहाँ ऐसा खुला रहने देंगे, यहाँ ऐसा खुला रहने देंगे ताकि ये पलट जाए। ये देखो, ये मैंने इसको सिल दी, ये इस पर ऐसा करके और ये तीनों तरफ से सिलाई लगा दी। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, ये देखिए, ये इसको पलट के इसको अच्छी सेट कर देंगे, ये देखिए। और ये थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के थोड़ा सा तो कपड़ा रखेंगे अपन, और फिर ये इधर की साइड से, ये इधर अपन ने ये पट्टी मोड़ी थी ना, इधर की साइड से इधर से अपन ये कॉलर लगाना चालू करेंगे। ये देखिए, ये कॉलर इधर से लगा देंगे और फिर ये इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा कटा देगा उसको उस पर ऐसे रख के ऐसे अटैच कर देंगे। वैसे मैंने ये कॉलर लगाना आपको पहले वीडियो में भी बताया। ये देखिए, ये मैंने स्टैंड पट्टी कॉलर बना दिया। अब इसमें मैं नेट की आस्तीन लगाऊंगी और यहाँ पर भी सल देंगे और नीचे कफ भी बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने इतनी चौड़ी जितना मेरा कपड़ा था उतनी चौड़ी मैंने इसको काट ली है और यहाँ पर भी मैं सल दूंगी और नीचे इसे कफ लगा दूंगी। ये देखिए, ये कफ काटे हैं मैंने और ये कफ काट के करके इधर भी इस पर सल दे दूंगी, तो ये मेरे ऐसे डिज़ाइन वाले हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नेट की आस्तीन बनाई है और यहाँ पर ये कफ बना दिए, थोड़े से सल यहाँ पर दिए, थोड़े से यहाँ पर दिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद ये अपन ने मैंने क्या किया है कि रिबन तैयार करा है। ये 4 इंच का चौड़ा था जिसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और तो ये रिबन लगाने से ना इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। ये देखें, बहुत सुंदर शर्ट बन लगेगा ये। ये देखें, अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें बटन लगा दूँगी। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से मैं इसमें बटन लगा दूंगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, कितनी सुंदर शर्ट बन के, डिजाइनर शर्ट बन के तैयार हो गई। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।